हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे बहुत कमेंट आ रहे थे, लोग तो आईडी पासवर्ड मांगे, तो ऑब्वियसली आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड मैंने यहाँ लिख रखा है, आपके सामने ही खोल लेता हूँ एक बार और। ठीक है, खुल जाए अभी तो इसकी साइट वैसे काफ़ी आज। ठीक है, अब किसी को अभी खुला, अभी भी अगर किसी को शक था स्कोर पे, अब मेरा स्कोर यहाँ 25 दिखेगा, नहीं स्टिल इट्स 95, 30, 34.75, 30.25। तो अगर किसी को लग रहा था अभी भी लग रहा है, तो अब इसके बाद तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। आप पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपकी ईमेल आईडी पे आईडी पासवर्ड भी भेज दूंगा, आप आराम से अपना दोबारा देख लीजिएगा। इतना शक अच्छी बात नहीं है भाई, पर ठीक है, काफ़ी लोग डालते हैं फेक स्कोर कार्ड भी, तो चलता है। बट अगर किसी ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी थी तो एक बता दूँ, दिल्ली जनरल, ठीक है, 26 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया था। शिफ्ट शायद दूसरी थी जो हार्ड थी, जिसमें क्वांट काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, वाली शिफ्ट थी, सेकंड थी शायद। और कट ऑफ तो आपने देखी ली होगी, 30.25 मेरा रीजनिंग में स्कोर आया, 34.75 मेरे क्वांट में आए हैं, और 30 मेरे इंग्लिश में आए हैं। अटैम्प्ट बताऊँ तो इंग्लिश में मैंने 30 अटैम्प्ट करे थे, और क्वांट में मैंने 31 अटैम्प्ट करे थे, और रीजनिंग में भी मैंने 31 अटैम्प्ट करे थे। रीजनिंग में शायद मेरा एक गलत हो गया, 0.5 पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन मिला है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन, और इसमें 100% एक्यूरेसी तो नॉर्मलाइजेशन क्या ही होगा, या एक गलत हो एक्यूरेसी, इजी शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा। बाकी अगर मैं क्वांट में बताऊं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि 25-35 भी सही करो तो एक गलत करो कुछ करके, तो ठीक है, मैंने तो 31 अटेम्प्ट करे थे, तो मेरा तो एक गलत होता तो 29 नंबर आते, पर ठीक है जो भी है। तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया, आपके सामने भी खोल के दिखा दिया, जिसको शक वक हो रहा था वो भी देख लो, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। बाकी मेंस के मॉक्स आने चालू हो जाएंगे आईबीपीएस पीओ प्री के बाद, तब तक आईबीपीएस पीओ प्री के मॉक्स आएंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।